થઈ ગયું સેટ બધાનું. હું હરખો બેસ પેલા. આજ ગુજરાત કે મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ, મેરે સાથી વિધાયક ઓર મેરે દોનો ઇન્ચાર્જ કે સાથ મેને લોકસભા કે લીએ મેરા નામાંકન ગાંધીનગર સીટ સે ભરા હૈ. મેરે લીએ એક બડા ગૌરવ કા વિષય હૈ કે જીસ સીટ પર સે इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, पर जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं. यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं. अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए. सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं. मुझे बड़ा संतोष है इस क्षेत्र की जनता ने जब जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है और हमेशा मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है. इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है. मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. ये चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है. चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद राज्य देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं. हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है. जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है. हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है. नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है. मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत, एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में सफलता प्राप्त की है. और अगर इस मुकाम पर देश को पहुंचाना है तो ये 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है. 10 साल जो देश की जनता ने दिए वो यूपीए सरकार ने किए हुए गड्ढे भरने में गए हैं और ये 5 साल जो आने वाले हैं ये विकसित भारत की भव्य इमारत बनाने की नींव डालने के 5 साल होने वाले हैं. अतः मैं गांधीनगर मत क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता को करबद्ध विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें
अपने परिवार का वोट करे और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मत पेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।